विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुजरौलिया खालसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किन किन योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक संकल्पित यात्रा है। सामूहिक रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार के तत्वाधान में यह यात्रा सोरतगढ़ विकास खंड के गुजौलिया खालसा ग्राम पंचायत में आज पहुंची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाना है। आज यहां उपस्थित 9 काउंटर के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने इस योजना के बारे में बारी बारी जानकारी दिया, जिसमें ICDS, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग और ग्राम विकास के साथ साथ कृषि विभाग ने अपनी जानकारियां दी। राजस्व विभाग से लेखपाल यहां उपस्थित है, इन्होंने अपनी जानकारी दी। इसमें आपने एक यहां पोखरे के बाउंड्री का निर्माण हो रहा है, उसको लेकर आपने भी बताया है, तो ये किस निधि से क्या योजना का निर्माण हो रहा है? देखिए, इस गांव के लाल उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और भाजपा के राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रिजलाल जी से सभी लोग परिचित है। उन्होंने अपने निधि से इस पोखरे का जीर्णोद्धार कराना आरंभ किया है। इस पोखरे के जीर्णोद्धार से इस गांव का समुचित विकास हो जाएगा। उन्होंने अपनी निधि से इस गांव में इंटरलॉकिंग भी दिया है। इस गांव का समुचित विकास में राज्यसभा सांसद जी का अहम योगदान है और ये काम सराहनीय है, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद पूरे देश में अपने निधि का प्रयोग करता है। उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने माटी के लिए जो काम किया है, उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र। राम मंदिर निर्माण को लेकर भी आपने इसी योजना में जो है लोगों को जो है निमंत्रण देने की भी बात कही, तो ये निमंत्रण कब तक लोगों को दिया जाएगा और निमंत्रण का उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, 2-3 दिन में अक्षत आ गया है। 2-3 दिन में हम लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, गांव के सामाजिक संगठनों द्वारा घर घर तक राम मंदिर निर्माण का पत्रक और हम लोग वो अक्षत घर घर बांटेंगे। और हम लोगों का बांटने का मुख्य उद्देश्य है कि देश आजादी से 76 साल तक राम मंदिर का निर्माण आज तक इंतजार कर रहा था। सरकारें ये कहते थी कि भाजपा के लोग केवल कहते हैं, डेट नहीं बताते हैं कि मंदिर कब बनेगा। अब हम लोग उद्घाटन का डेट भी बता दिए और पूरे देश से संत महंत वहां जुट रहे हैं, कई देशों के अनुयायी वहां जुट रहे हैं। उसी के अनुक्रम में हम लोग अक्षत घर घर बांट रहे हैं, जिससे इस अक्षत का, जो भगवान राम के पूजन का अक्षत है, अपने घर में संकल्पित करके रखें, जिससे राम, भगवान राम को जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि भगवान के दर्शन होंगे, वो भगवान के दर्शन का आमंत्रण भी है। सभी लोग जाकर भगवान राम का दर्शन अयोध्या में आप सुगमता पूर्वक कर सकेंगे।